सब पहचाने हुए चेहरे देखा होगा इनको यहीं कहीं देखा है क्या? किसी बिल्डिंग में देखा है क्या? लंच बंच में देखा है क्या? तो घूमते हो घूमते हम कहीं थे ना, आपके क्लास में रहते थे ना, तो रूल नंबर वन घूमना नहीं। दूसरी चीज जो लोगों के सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं बोलूंगा कि इन सारे चारों बच्चे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं और भी जो नहीं आ पाए हैं, मैं ये बोलूंगा कि अगर मुझे बताना हो कि ये लोग क्यों सेलेक्ट हुए, तो बस मैं एक ही शब्द बोलूंगा कि यार दे आर वेरी सिंसियर एंड डिसिप्लिन। इन्होंने जो बोला गया उसको फॉलो किया, जो बताया गया उसको फॉलो किया, और ये वो फॉलो करके इन्होंने एक अलग कीर्तिमान बनाया। तो गाइस, ये लोग डेफिनेटली अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे। सोचो अभी 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ और आपको पता है कि भाई आपका लाइफ सेट है। द कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलता है ना, ये बड़ी चीज है। अभी इनका 12th का बोर्ड, अभी 12वीं पास नहीं है, अभी ये लोग 12वीं पास नहीं, लेकिन IIT के हकदार है। देखो कोई सवाल पूछ लेता है 8 वर्ष फेल हो गए, ये सब की स्टोरी सुनने को मिलती है। लड़का IIT से लेकर 12th फेल हुआ, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्टोरी, कोई रियल स्टोरी है तो मुझे बता रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे पुराने टाइम में लोग स्टोरी बोला करते थे, हम भी IAS बनने वाले थे, वो तो जो न्यूज पेपर लेटर वाला होता है हमारे घर पहुंच नहीं पाया। स्टोरी मार्केट में चल रही है ना, ये सब मिस है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। और गाइस, क्लास 9 to 12, यहाँ पे दो क्लासेस नहीं है, 10th भी नहीं है, 12th भी नहीं है, 9 और 11 दो क्लासेस बैठी हुई है। मैं बस इतना बोलूंगा गाइस कि अगर आदित्य मुस्कान आदिति ये लोग 12th के साथ और ड्रॉपर्स आदिति ड्रॉपर बैठ की थी, इसमें ये लोग अगर जो कर सकते हैं, तो गाइस मैं 100% कह सकता हूं, अगर क्लास 11th अभी से सही से मन बना ले कि नहीं यार 99 ही लाना है, 100% टाइम ही लाना है, तो ये पॉसिबल है। तो गाइस अब शुरुआत है तुम्हारी, अभी नीट का भी रिजल्ट आएगा, उसमें भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसमें और ग्रैंड सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उसमें और धमाकेदार रिजल्ट आने वाले हैं, नाम तो उसमें भी पता है। तो गाइस ये रिजल्ट, और सबसे बड़ी बात कि दिस इज जेन्युइनिटी ऑफ रिजल्ट। ये वैसे रिजल्ट नहीं है कि तुम्हें कोई ऐसा बच्चा दिख गया जो कभी तुमने देखा ही नहीं, ये कहां से सेट में प्रकट हो गया, ये वो है, मैंने बोला ना, जिनको तुम डेली अपनी डेली लाइफ में देखते थे, और तुम्हारे 20 से उठकर आज यहां पर खड़े हैं और प्रूफ किया है कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अगर बड़ा लक्ष्य बनाया है तो बड़ी तपस्या करनी होगी, सारी चीजें अपनी छोड़नी होगी, अपना ईगो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब छोड़ो, अभी सिर्फ पढ़ाई करो और प्रूफ करके दिखाओ कि हुआ ही। थैंक यू सो मच सर।